हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक लिंक, मशीन स्ट्रक्चर और काइनेमेटिक पेयर के बारे में बात की थी। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स की बात करेंगे। जब हम लोग काइनेमेटिक पेयर्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग उनको बहुत सारे कंसिडरेशंस के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली कंसिडरेशन जो है वो ये है कि आपके एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके का रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन आया, आपका पहला टाइप है, वो है स्लाइडिंग पेयर। यहां क्या होता है, आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि आपका एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है, आपका एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के रिलेशन रिलेटिव में स्लाइड करता है। ये जो मोशन, यहाँ स्लाइडिंग पेयर आपका जो मोशन फॉलो करता है वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट टाइप का मोशन होता है। अगर एग्जांपल के बेस पे बात की जाए तो आपका जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है उसके अंदर जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, तो आप देखेंगे कि आपका पिस्टन जो होता है वो आपके सिलेंडर के अंदर जो है वो स्लाइड कर रहा होता है। आपका सिलेंडर जो है, अगर हम कह लें, तो वो फिक्स होता है और आपका पिस्टन जो है वो स्लाइड कर रहा होता है। तो ये अपने आप में आपका एग्जांपल है किसके लिए, स्लाइडिंग पेयर के लिए। वहीं आगे जब हम बात करें, जो आपका दूसरा टाइप है वो है टर्निंग पेयर। यहां क्या होता है, आपके पेयर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि आपका एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट या तो टर्न करेगा या फिर रिवॉल्व करेगा। यहां पे जो आपका टर्निंग पेयर है वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन फॉलो करता है। अगर एग्जांपल के बेस पे बात की जाए तो हमारे जो साइकिल होती हैं, साइकिल में जो आपका एक्सल होता है, एक्सल के ऊपर आप देखेंगे कि आपका टायर जो है या आपका व्हील जो है वो टर्न करता है। ठीक है, आपका एक्सल जो है फिक्स रहता है और आपका टायर जो है वो या आपका व्हील जो है वो आपके एक्सल पर टर्न कर रहा होता है। तो ये अपने आप में एक एग्जांपल है किसके लिए, टर्निंग पेयर के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोलिंग पेयर की। आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो यहां पे इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि आपका एक एलिमेंट जो है दूसरे फिक्स्ड एलिमेंट के ऊपर रोल करता है। ठीक है, जैसे आपके फॉर एन एग्जांपल बात की जाए, आपके बॉल बियरिंग्स होते हैं। मान लीजिए ये आपका सरफेस है जो कि फिक्स है। ठीक है, ये आपका एक एलिमेंट है जो कि फिक्स है, ये आपका दूसरा एलिमेंट यहां पे ये बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ये आगे 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 बढ़ते हुए रोल करते हुए ये आगे बढ़ेंगी। तो इसको हम लोग रोलिंग पेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है स्क्रू पेयर। यहां पे क्या होता है, आपके पेयर के दोनों एलिमेंट जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि आपका एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्रू थ्रेड्स के अबाउट टर्न करता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहां पे सिंपली आपके थ्रेड्स के ऊपर बात होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, ये आपका नट है जो यहां पर लग रहा है, ये आपका अंदर से आया नट है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जैसे जैसे ये आप इसको घुमाते जाएंगे ये नीचे की ओर आता जाएगा और कुछ टाइम पीरियड बाद ये अब क्या कर रहा है, ये टर्न कर रहा है आपके थ्रेड्स के अलोंग और ये टाइट होता जा रहा है। कुछ टाइम पीरियड के बाद आप देखेंगे यहां पे ये जो आपके थ्रेड्स हैं ये आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, तो यहां पे आपका स्लाइडिंग भी साथ के साथ चलने वाला है। तो इस टाइप का जो आपका पेयर होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप स्क्रू पेयर कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं लास्ट टाइप की अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, वो है स्पेरिकल पेयर। आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे फिक्स एलिमेंट के ऊपर टर्न करेगा या स्विल करेगा। ठीक है, जो आपका पहला एलिमेंट है यहां पे जो टर्न करेगा या स्विल करेगा वो जो एलिमेंट है वो स्पेरिकल शेप का होता है। आपके कार के जो मिरर होते हैं, ठीक है, साइड मिरर्स जो होते हैं आपके कार के, वो स्पेरिकल पेयर का एग्जाम्पल होता है। आपने देखा होगा नीचे एक बार लगी होती है मिरर पे और ऊपर ना यहाँ पे आपका मिरर अटैच होता है, ये आपका मिरर अटैच है। ठीक है, यहाँ नीचे एक बार है, ये आपका जो बार है ये आपका फिक्स्ड एलिमेंट है और ये आपका मिरर है। ये क्या करेगा, ये आप देखेंगे कि जब आप इसको मूवमेंट देते हैं तो ये आगे पीछे भी हो जाता है, ये घूम भी जाता है। ठीक है, ये यूं भी हो जाता है, यूं भी हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, ये टर्न भी कर रहा है और स्विल भी कर रहा है।
ठीक है, टर्न कर रहा है, या फिर हम कहते हैं स्विल कर रहा है इस फिक्स्ड एलिमेंट के अलोंग, तो ये आपका स्पेरिकल पेयर फॉर्म होता है। वहीं जब हम आगे इसके दूसरे कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि आपके एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके का कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स। अब आप बात करते हैं तो टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट के बेस पे आपके दो टाइप के पेयर होते हैं, एक लोअर पेयर होता है और एक हाइयर पेयर होता है। जब हम लोअर पेयर की बात करते हैं, तो आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स जो हैं, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, तो वहां पे आपका सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। आपके दोनों एलिमेंट्स के सरफेस जो है वो आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं जिस टाइम पे उनके बीच में रिलेटिव मोशन चल रहा होता है, और आपका एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है। आपके पहले एलिमेंट का सरफेस जो है वो दूसरे एलिमेंट के सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, उसे आप लोअर पेयर कहते हैं। स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर, ये जो तीनों टाइप के पेयर है आपके, ये लोअर पेयर फॉर्म करते हैं। वहीं जब हम हाइयर पेयर की बात करते हैं, तो आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन चल रहा होता है, तो वो लाइन या फिर पॉइंट कॉन्टेक्ट उनके बीच में आपको देखने को मिलता है, और आपके दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो मोशन होता है वो पार्टली टर्निंग और पार्टली स्लाइडिंग होता है। मतलब आपको टर्निंग और स्लाइडिंग दोनों टाइप के ही मोशन आपको उनके बीच में देखने को मिलते हैं। अगर एग्जांपल के बेस पे बात की जाए, आपके बेल्ट रोप ड्राइव्स, बॉल और रोलर बियरिंग्स, कैम एंड फॉलोवर्स और टूथ गियरिंग, ये आपके हायर पेयर्स के एग्जांपल हैं। थर्ड कंसिडरेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, कि किस तरीके का क्लोजर उनके दोनों एलिमेंट्स के बीच में है। तो इसको भी दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आता है सेल्फ क्लोज पेयर, फिर फोर्स्ड क्लोज पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर में क्या होता है, आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो मैकेनिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब यहां पे हम मैकेनिकली कनेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको बोल्ट की हेल्प से, स्क्रू की हेल्प से, फास्टनर्स की हेल्प से आपने एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है, और उनको आपने इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि जो डिजायर्ड रिलेटिव मोशन आप उनके बीच में चाहते हैं वो हो रहा है। ठीक है, आपने दोनों पेयर के दोनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट किया है, और उनका कनेक्शन जो है वो इस तरीके से किया है कि जो रिक्वायर्ड रिलेटिव मोशन है, जिस टाइप का या जिस काइंड का रिलेटिव मोशन आपको चाहिए, वो आपको करके दे रहे हैं। लोअर पेयर्स जो आपके होते हैं वो सारे के सारे सेल्फ क्लोज्ड पेयर में आते हैं। कहने का मतलब आपका स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर और स्क्रू पेयर्स जो है वो आपके सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है फोर्स क्लोज्ड पेयर। आपके पेयर के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे मैकेनिकली आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट रखने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्सेस लगानी पड़ती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब हम लोग कैम एंड फॉलोवर की बात करते हैं, तो कैम एंड फॉलोवर जो है वो आपस में कभी भी मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होते। उनके बीच में आपने देखा होगा सिर्फ एक पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां किया क्या जाता है, स्प्रिंग और ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से आपके कैम और फॉलोवर जो है वो हमेशा आपस में कॉन्टेक्ट में बने रहते हैं। वहीं जब हम आगे बात करेंगे, तो हम लोग काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे। आपके जो काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं उनको, वो इस तरीके से कपल होते हैं कि लास्ट लिंक जो है वो फर्स्ट लिंक के साथ ज्वाइन होके आपको डेफिनेट मोशन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए एक लिंक आपका ये है, ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा लिंक ये है, ऐसे ही आपका ये तीसरा लिंक है, ऐसे ही आपका चौथा लिंक है। अब आप देखेंगे यहां पे जब ये चार लिंक आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहां से कोई पांचवा आ जाता है, यहां से कोई छठा आ जाता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं अब, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आपके सारे लिंक्स जो हैं अब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये आपकी काइनेमेटिक चेन बना रहे हैं। पहले लिंक से आपके लास्ट लिंक पर डेफिनेट मोशन आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, आपका जो डेफिनेट मोशन है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ये कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन यहां पे आपको देखने को मिलता है। आपने क्या किया है, आपने कॉम्बिनेशन लिया है काइनेमेटिक पेयर्स का, उनको इस तरीके से ज्वाइन किया है
कि आपका हर एक लिंक जो है वो दो पेयर्स का पार्ट बन रहा है, ठीक है। आपका हर एक लिंक जो है वो आपके दो पेयर्स का पार्ट बन रहा है। जैसे अभी अभी हम बात कर लेते हैं, ये है, ये आपका एक लिंक हो गया, ठीक है। आप इन दो लिंक को जोड़ रहे हैं तो आपका एक पेयर बन रहा है, फिर इन दो लिंक को जोड़ रहे हैं तो आपका एक पेयर बन रहा है। तो आपका एक लिंक जो है वो कितने पेयर्स का पार्ट है? दो पेयर्स का पार्ट है। एक पेयर यहां फॉर्म हो रहा है, एक पेयर यहां फॉर्म हो रहा है। तो आपका एक लिंक जो है यहां पे वो दो पेयर्स का पार्ट फॉर्म करता है, और जो आपका रिलेटिव मोशन रहता है आपके लिंक्स और एलिमेंट के बीच में, वो कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन होता है। अगर एग्जाम्पल के बेस पे बात करें तो आपके इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है, वो आपके बियरिंग्स के साथ काइनेमेटिक पेयर फॉर्म करता है, और यहाँ पे बियरिंग्स जो होते हैं आपके वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी कनेक्टिंग रोड होती है वो आपके क्रैंक के साथ जुड़ के आपका दूसरा काइनेमेटिक पेयर फॉर्म करते हैं। आपका पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रोड के साथ जुड़ा होता है और वो थर्ड पेयर फॉर्म करता है। और अब जो आपका पिस्टन है वो सिलेंडर के साथ भी होता है और वो आपका फोर्थ पेयर फॉर्म करता है। तो आप देखेंगे कि पहले आपके बियरिंग्स से क्रैंकशाफ्ट रोटेट हुआ, क्रैंकशाफ्ट से आपके कनेक्टिंग रोड में मूवमेंट हुई, कनेक्टिंग रोड की वजह से आपके पिस्टन में मूवमेंट हुई और आपकी पावर जनरेट हो गई। तो अपने आप में ये जो लिंक्स, ये जो चारों लिंक की हमने बात करी या चारों पेयर की हमने बात करी, तो इन लिंक्स का जो टोटल कॉम्बिनेशन आपका है वो आपका काइनेमेटिक चेन कहलाता है, ठीक है। अगर आगे हम बढ़े तो आपका हर एक लिंक जो है, अभी अभी हमने बात की है कि आपका एक लिंक जो है वो दो पेयर के साथ अटैच होता है, ठीक है, दो एडजेसेंट लिंक उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। आपका एक लिंक जो है वो दो एडजेसेंट लिंक के साथ दो पेयर्स फॉर्म करता है, अभी हमने यही बात की थी। ये आपका एक लिंक है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट लिंक के साथ मिलके आपके दो पेयर फॉर्म कर रहा है, एक पेयर यहां पे और एक पेयर यहां पे, ये दो पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इनके लिए आपका एक काइनेमेटिक चेन के लिए को फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ पेयर्स और नंबर ऑफ लिंक के बेस पे आपका एक रिलेशन होता है, जिसको कि आप कहते हैं एल इक्वल्स टू 2p-4। रिलेशन क्या है? एल इक्वल्स टू 2p-4। अब आप देखेंगे कि आपकी काइनेमेटिक चेन में हर एक लिंक जो है वो दो पेयर्स का पार्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जितने लिंक रहने वाले हैं उतने ही आपके पेयर्स रहने वाले हैं। आपके पूरी काइनेमेटिक चेन में जितने आपके लिंक्स होंगे उतने ही आपको आपके नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे। अब वहीं जब हम लोग एक काइनेमेटिक चेन को फॉर्म करने की बात करते हैं तो एक और रिलेशन निकल के सामने आता है काइनेमेटिक चेन के लिए, वो नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ जॉइंट्स के बीच में बना होता है, के बेसिस पे बना होता है। तो जे इक्वल्स टू 3/2 L-2 जो है, ये आपका वो फॉर्मूला है जो कि नंबर ऑफ लिंक्स एल और नंबर ऑफ जॉइंट्स जे की बेस पे फॉर्म हो रहा है, किसके लिए? काइनेमेटिक चेन के लिए। अब यही दोनों जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उन काइनेमेटिक चेन के लिए एप्लीकेबल होता है जिनमें कि आप लोअर पेयर्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको हायर पेयर्स के लिए यूज नहीं किया जाता। अगर बाय चांस इन्हें हायर पेयर के लिए यूज किया जाएगा तो आपके हर एक हायर पेयर को दो लोअर पेयर्स के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको चाहे एडिशनल एलिमेंट या लिंक क्यों ना ऐड करना पड़े, ठीक है। तो क्या हो, क्या बात थी यहाँ पे कि आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो काइनेमेटिक चेन के लिए जब वैलिड हैं, जब आप लोअर पेयर का यूज कर रहे हैं, और आपका हायर पेयर अगर आता है तो उसको आप क्या करेंगे? दो लोअर पेयर के इक्विवेलेंट आप उसे एज्यूम करेंगे। वहीं आपकी जो चेन होती है जिसमें चार लिंक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चेन जिसमें चार लिंक से ज्यादा लिंक हैं उसे आप कंपाउंड काइनेमेटिक चेन कहेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चेन जिसमें चार लिंक से ज्यादा लिंक होंगे उसे आप क्या कहेंगे? कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। इसके साथ आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग टाइप के ज्वाइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट, क्वार्टरनरी ज्वाइंट। थैंक यू।